पीयूष, ये जो डेटा है, इस डेटा में जो बातें अभी दोषी जी ने कही या जो बातें दर्शन जी ने कही कि भाई बीजेपी को लगता है आपने आप लोगों ने ओवर एस्टिमेट किया है और आम आदमी पार्टी को भी ओवर एस्टिमेशन किया, कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया है, तो ये जो डेटा आया हुआ है, आपने किस आधार पे ये डेटा निकला है और लोगों की क्या राय थी? जी सर, असल में पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिगर जी, दर्शन जी, शरद जी ये काफी सीनियर और मुझसे ज्यादा अनुभवी है, लेकिन जो भी मैं कहूंगा वो मतलब जो मुझे मिला है वो लोगों की राय है। और हमारा ये टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया जाए। हम ये नहीं है कि 10 लोग से बात किया, 20 लोग से बात किया, अमूमन तौर पर जो मीडिया का वो रहता है कि आप मीडिया ग्राउंड पे जाता हो, हमारा टारगेट 18,000, 20,000, 40,000 ऐसा रहता है। और लोगों का एक हमारा इम्पोर्टेंट होता है कि क्वालिटी सैंपल लिया जाता है और उनकी बाकी पूरी डेमोग्राफिक्स ली जाती है, जिसमें आपका एज है, जेंडर है, कास्ट है, ऑक्यूपेशन है, ये सब लिया जाता है। एक और हमारा जो मोस्टली फोकस ये रहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखते हैं, और उससे पहले भी हम कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं कि यहाँ पे टॉप कास्ट कौन सी है और मोस्टली टॉप कास्ट कौन सी है, और जो पुराने कैंडिडेट्स थे उनको किस मतलब किस आधार पे टिकट दिए गए थे, मोस्टली जो कि हमें पता लगा कि कास्ट के बेसिस पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम बात करेंगे, जो एक्चुअली अपने जिगर जी ने भी बोला और दर्शन जी ने बोला कि बीजेपी को हमने ओवर एस्टिमेट किया है, तो अगर आप देखेंगे कि बीजेपी पिछले चुनाव में 99 सीट्स पे रह गई थी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, ओबीसी प्रोटेस्ट हुआ जो अपने ठाकुर, कल्पेश ठाकुर ने किया, या फिर आपके पाटीदार आंदोलन हुआ, या फिर जिग्नेश मेवानी का भी जो एससी वाला हुआ था वो भी। पर जो हम देखेंगे कि आपका बीजेपी 99 पे रह गई थी, लेकिन बीजेपी की आम तौर पे अगर 127 देखे, 115, 117, 115 सीट्स ऐसी है जो कि बीजेपी की ट्रेडिशनल सीट्स है। तो 2017 में वो स्विंग कर गई थी आंदोलन के कारण, और उसमें भी आपको मैं बता दूं कि 40 सीट्स ऐसी थी जहां पे बीजेपी जस्ट 5% के मार्जिन से ही वोट का वो रहा था, जो आपका जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे। और 10 से 12 सीट ऐसी थी जहां पे सिर्फ 1,000 या 1,200, 1,300, 1,500 वोट से बीजेपी हारी, कहीं कहीं पे तो 300, 400 वोट से बीजेपी हारी थी। तो वो सीट अब 99 में, और अभी भी बीजेपी आप देखेंगे तो 111 पे तो स्टैंड कर ही रही है, जो कांग्रेस के जो लीडर एमएलए थे जो डिफेक्ट करके बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तो 111 पे तो स्टैंड कर रही है, और 115 जो एवरेज है, बाकी हमने जो एक्स्ट्रा दिया वो 15 सीट है। जैसे दर्शन जी ने बोला कि अगर आम आदमी पार्टी को हम अभी राइट नाउ हमारे साइड से जो हमें डेटा मिला वो दिया है हमने, पर अगर दर्शन जी की माने तो अगर आम आदमी पार्टी वोट कटुआ पार्टी बनती है तो वो कांग्रेस का ही वोट काटती है, तो अगर जो कांग्रेस का वोट काटती है तो वो जो 15 सीट जो एक्स्ट्रा जो है वो मोस्टली 15 से 20 ऐसी सीट है जो हमने आइडेंटिफाई की है जहां पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हार रही आम आदमी पार्टी का, जहां पे आम आदमी सॉरी कांग्रेस और बीजेपी में बहुत ही क्लोज फाइट थी, वहां पे कांग्रेस का अगर आप 10 से 5% भी वोट हटा दे तो बीजेपी वहां पे जीत जा रही है। जी तो ये तो अभी का आंकड़ा है हमारे। जी लेकिन जो सूरत सूरत में, अगर आप जैसा कह रहे हैं, आपका जो सूरत का इलाका है जहां बीजेपी को बहुत कामयाबी मिली थी पिछली बार जो म्युनिसिपल इलेक्शन है उसमें आम आदमी पार्टी को अच्छी अच्छी कामयाबी मिली, तो वहां तो कायदे से बीजेपी का वोट काटना चाहिए था। हाँ, वो मैं आपको जरूर देखिए, बीजेपी का वोट की बात नहीं है, देखिए आप जब म्यूनसिपल इलेक्शन की बात करते हैं तो लोग म्यूनसिपल इलेक्शन के हिसाब से वोट देना जाता है, म्यूनसिपल इलेक्शन का कैंडिडेट कौन है, लेकिन जब एमएलए की बात आती है तो वहां पे आपको स्टेट के लेवल पे और फिर उसमें फिर आपका नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाता है। और दूसरा अर्बन वोट आप देखेंगे, लाइक अगर अमूमन तौर पर आप सूरत देखें या फिर अहमदाबाद है, कि यहाँ पे बीजेपी बहुत स्ट्रांग है और ऑलमोस्ट 65 से 70% वोट शेयर से जीतती है। तो यहाँ पे तो अगर आपका जो 25% है जो कि कांग्रेस को जाना था, अगर आप वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें, वो जहाँ पे आपको जो हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादातर जो है वो एससी हो गए, आपके एसटी हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ये उधर मूव कर रहे हैं, या फिर आपके ऑक्यूपेशन वाइज हमने देखा है जो डेली वेजर्स हैं ये उस साइड थोड़ा मूव कर रहे हैं। तो अगर आप वार्ड्स देखें जो इन्होंने शायद से मेरे सबसे 27 वार्ड्स जो थे या 23 वार्ड्स जीते थे, तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि वहां पे वो पॉपुलेशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, तो वहां पे आम आदमी पार्टी अच्छा कर गई। बिल्कुल, जी बट एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने क्या देखा अर्बन सेंटर्स में आम आदमी पार्टी को के प्रति लोगों का रुझान दिखाई पड़ा या रूरल सेंटर में रुझान ज्यादा दिखाई पड़ा? जी सर, ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक सवाल था कि आम आदमी पार्टी को वोट शेयर ज्यादा है लेकिन सीट वाइज नहीं है, इसका रीजन ये है कि आम आदमी पार्टी एक्चुअली कांग्रेस को जहां पे कांग्रेस सेकंड नंबर पे भी थी वहां पे भी रिप्लेस कर रही है। जैसे अर्बन एरियाज है, आपके अहमदाबाद की कोई भी सीट देखेंगे जहां पे बीजेपी अगर 72-70% वोट शेयर लेके आई और 30% कांग्रेस का था,
अब वो 30 में से 25 से 28% जो हमने देखा वो आपका आम आदमी पार्टी को जा रहा है और कांग्रेस वहां से पूरी गायब होती जा रही है। और इसके भी रीजन है, लाइक हमारे पास रीजन ये थे लोगों से ही मिले हैं कि कांग्रेस का वोट टूटना या कांग्रेस के यहाँ पे वीक होने का रीजन, एक तो आपका लीडरशिप नहीं है यहाँ पे, स्टेट में कोई लीडरशिप नहीं है, सेंटर से यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, और दूसरा लोगों में फटीग मिला है। अगर आप देखिए कैसा है कि आप, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, अगर कोई एक स्पोर्ट्स टीम को आप फॉलो करते हैं तो आप उसको बहुत साल से फॉलो कर रहे हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस वो हार रही है, तो आपके अंदर भी एक ये जो आप मायूस हो जाते हैं, आप में निराशा छा जाते हैं कि हर बार मैं सपोर्ट कर रहा हूँ लेकिन ये हार रहे हैं। तो ये हमें बहुत देखने को मिला है कि यहाँ पे लोग निराश है, कांग्रेस के वोटर्स हैं बट वो निराश है, और उनको अब आम आदमी पार्टी उम्मीद की तरह दिखती आ रही है। और एक वो ट्रेंड और ये बस बहुत स्ट्रॉन्ग बस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है, और उसमें भी हमें अभी तक ये, हम लोग भी इसमें बहुत ज्यादा डीप रिसर्च कर रहे हैं कि जो लोग नहीं बता रहे, जैसे हमें अमूमन लाइक 8 से 10% ऐसा मिला है जहाँ पे लोग अपनी राय नहीं बता रहे, हमें उनका भी बहुत ज्यादा मतलब वो है कि ये कहीं वो अंडर करंट है, साइलेंट वोटर नहीं है जो कि आपकी तरफ मूव कर जाए, क्योंकि बीजेपी का जो वोटर होता है वो खुल के बताता है, वो मतलब बहुत ही प्राउडली बताता है कि मैं बीजेपी का वोटर हूँ। और दूसरा कांग्रेस के वोटर्स में हमने ये भी देखा है कि वो प्राउड वाली फीलिंग नहीं है, क्योंकि आप कांग्रेस के वोटर तो है पर आप जीत नहीं रहे हैं, तो वो आप प्राउड से भी नहीं बता रहे हैं। जी, तो कांग्रेस वहां पे, आपने जैसा ये कहा कि एक मुद्दा जो महंगाई महंगाई है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या ये, और बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है, तो क्या इसके लिए बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार लोग नहीं ठहरा रहे? नहीं देखिए, बीजेपी के लोग भी जो है वो महंगाई को मान रहे। अगर आप एक हमारा मतलब एक और दूसरा था जिसमें था कि विमेन वोटर्स के मतलब विमेन वोटर्स की कौन सी पहली पसंद है, तो आप सरप्राइजिंग फैक्ट ये था कि 53 विमेन जो थी, 53% जो हमें मिला विमेन का, वो बीजेपी की साइड थी। अमूमन तौर पर महंगाई जो है वो आप देखेंगे कि गृहिणी जो थी हाउसवाइफ उनको ज्यादा इम्पैक्ट करती है, पर यहाँ पे जो है वो हमें सरप्राइजिंगली मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी चीज मिला कि विमेन है और महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो महंगाई का मुद्दा जो है वो सिर्फ मतलब वो कैसा है कि पूरा इंडिया में वो है, लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में ही पर्टिकुलरली ऐसा हो रहा है। तो लोग जो है वो कहते हैं हाँ महंगाई है, तेल के दाम ज्यादा है, ऑयल के दाम ज्यादा है, लेकिन चुनाव पे असर पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। मतलब महंगाई का मुद्दा है पर चुनाव में इम्पैक्ट करेगा वो नहीं नजर आ रहा है। तो ये जो जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल तो बिल्कुल नए हैं, कैबिनेट बिल्कुल नई है, तो लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि उनको उनको एक मजबूत मुख्यमंत्री चाहिए। नहीं देखिए ये मतलब कैसा है कि लोगों का मतलब यहाँ पे जैसा बाकी जो पैनलिस्ट है उन्होंने बताया, यहाँ पे मतलब मोदी जी के ही है, मतलब लाइक वो पीएम है पर यहाँ पे लाइक आप ऐसा मान लीजिए स्यूडो सीएम भी है, तो ये उनका है। और दूसरा भूपेंद्र भाई पटेल का भी यहाँ पे हमें ये मिलने को मिला है कि जैसे वो बहुत ही अननोन बैकग्राउंड से आए हैं, तो आप क्या है कि आप कोई अननोन बैकग्राउंड से आता है तो आप उसके बारे में कुछ पास्ट इतना नहीं निकाल पाते कि भाई उन्होंने पास्ट में कुछ कुछ भी उनका नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। प्लस दूसरा जो कैबिनेट चेंज किया गया, सबका मानना जहां तक मेरा यह है कि सब ये सोचते हैं कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, बट जबकि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है बीजेपी के खासकर वोटर्स में, बिकॉज उनको लगता है कि पार्टी बहुत स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग वाली है, कि जब भी थोड़ी सी भी एंटी इनकम्बेंसी है या कुछ भी गड़बड़ हुई तो उन्होंने पूरा का पूरा कैबिनेट चेंज कर दिया। सो ये बीजेपी के उनकी पार्टी के लोगों के लिए ये मतलब वो उसको लेते हैं कि देखिए कितना पार्टी में मतलब सशक्त है या कितना डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग है, जबकि यही वो कॉन्ट्रारी सोचते हैं कि कांग्रेस के बारे में कि डिसीजन मेकिंग में वो लोग लैग करते हैं। तो जब मैं दो कैबिनेट चीजें चेंज किया गया, जी, जब पीयूष, सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, क्या जो पोलराइजेशन की बात की जाती है कि गुजरात जो है वो हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, वो एक बाइंडिंग फैक्टर है या मोदी जी बाइंडिंग फैक्टर है या वो बीजेपी के वोटर है, वो कुछ भी हो जाए कितनी भी महंगाई हो देंगे तो बीजेपी को ही वोट दें चाहे कुछ भी हो जाए, क्या आपको देखने में हिंदुत्व बाइंडिंग फैक्टर और समथिंग एल्स? पीयूष आपके आपसे सवाल है मेरा। अच्छा जी, सॉरी, तो हिंदुत्व जो है वो आप मतलब जो मतलब पोलराइजेशन का है या ध्रुवीकरण का जो भी मामला है वो अगर आप ये देखेंगे कि गुजरात में मतलब चुनाव का मुद्दा नहीं, वो आपका सेंटिमेंट है और वो आपके अंदर है, मतलब एक हिंदू वोटर है फिर जाए अहमदाबाद में रहे या सूरत में रहे, वो उसके अंदर है और वो मतलब अभी से नहीं है, मतलब ये काफी सालों से मतलब ये जो भी रहा है या पुराना जो भी आपने कहा कि लेबोरेटरी है या जो भी है, तो ये एक अंदर का सेंटिमेंट है, पर चुनाव में आपको इंटरनली दिखता है कि वो उस हिसाब से वोट दे, पर आपको ओपनली नहीं कहेंगे कभी भी, आप जाके पूछेंगे कि भाई यहाँ पे जैसे वेस्ट बंगाल में हमने देखा था बीजेपी ने बहुत स्ट्रांगली मतलब था कि पोलराइजेशन किया, आपको गुजरात में नहीं दिखेगा, गुजरात में बीजेपी कभी भी आके पोलराइजेशन की बात नहीं करती है, मोस्टली अपना काम अचीवमेंट जो 27 साल में काम किया वो डेवलपमेंट पे ही यहाँ पे बात करती है।
तो पोलराइजेशन का इतना ओपन मुद्दा नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।